We'll be right back.
Thank you.
स्टूडेंट्स, तो ये आपने हमारा 5 क्वेश्चन का जो कॉन्टेस्ट था उसको देख लिया। ऐसे ही और कॉन्टेस्ट देने के लिए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, और देखो ये क्वेश्चन जो है वो रैंडम नहीं है, ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, तो इनको आप कहां पर और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ifsonline.com पे आना है, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट का मेन पेज आपको दिख रहा है, तो इसमें आप एक सिंपल सा काम करिए, आईआईटी जाम सेक्शन के ऊपर जाइए, ठीक है। तो यहां पर ये आईआईटी जाम है, अब इसके अंदर आप देख रहे हो कि ये आईआईटी जाम बायोटेक्नोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, आपको बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, लेफ्ट कॉर्नर में आपको यहां पर दिख रहा है ऑनलाइन क्लासेस, टेस्ट सीरीज प्लान, फैकल्टी और प्ले विन लर्न, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्ले विन लर्न के ऊपर आप देख सकते हो, तो यहां पर ये देखो बहुत सारे कॉन्टेस्ट आपको दिखेंगे इस वेबसाइट के ऊपर, तो जितने चाहे, मैं तो कह रहा हूं यहां पर अनलिमिटेड कॉन्टेस्ट है, किसी भी कॉन्टेस्ट को ओपन करके आप आराम से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। और डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्टेस्ट जो है ये टॉपिक वाइज कॉन्टेस्ट है, तो डेफिनेटली आप इनको यहां पर एक्सप्लोर कर सकते हो। ये देखो इतने सारे कॉन्टेस्ट यहां पर दे रखे, तो कैसे देना है कॉन्टेस्ट, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल सा काम करना पड़ेगा, आईएफएस की वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर करना पड़ेगा। कैसे आप आईएफएस की वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर कर सकते हो, तो सिंपल सा काम है, ये देखो, ये सपोज मुझे आईआईटी जाम बीटी कॉन्टेस्ट कार्बोहाइड्रेट देना है, तो यहां पर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है। तो अब यहां पर मुझे आया लॉग इन टू आईएफएस, ठीक है। अब अगर आपका पहला रजिस्ट्रेशन वहां पर होगा, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि वो सीएसआईआर नेट से था या आईआईटी जाम या एमएससी एंट्रेंस से था, क्योंकि अब ये रैंक बूस्टर जो कॉन्टेस्ट है वो आईआईटी जाम के सेक्शन में आपको मिलेगा, यानी कि एमएससी एंट्रेंस के अंदर आएगा। तो अगर आप न्यू हो एमएससी एंट्रेंस के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर नाउ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप रजिस्टर करिए, और इसमें क्या करना है आपको, आपका नेम डालिए, ठीक है, जैसे यहां पर मैंने अपना नाम डाल दिया दिगंबर, फिर अपना लास्ट नेम डालिए, ये डालिए, ठीक है। आप अपना कोई यूजर नेम जो है वो डाल सकते हैं, पासवर्ड आप अपना क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल आईडी आपको अपना डालना है, उसके बाद यहां पर आप डाल सकते हो फोन नंबर, कोर्स कौन सा है, तो आपको कोर्स यहां पर डियर स्टूडेंट्स लाइफ साइंसेस नहीं सिलेक्ट करना है, कोर्स आपको सिलेक्ट करना है कौन सा, एमएससी एंट्रांस बायोटेक्नोलॉजी, ये कोर्स आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, ये हो गया। फिर आपका स्टेट कौन सा है, तो महाराष्ट्र सपोज मैंने यहां पर कर लिया। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो मैंने यहां पर सिलेक्ट कर लिया पुणे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप, फिर ये आप कोड डालो, ठीक है। ये डालने के बाद आप यहां पर रजिस्टर हो जाओ, ओके। अब यहां पर जो चीजें मैंने डाली है वो आपको पूछा है, ये हो गए। फिर आपको आना है यहां पर, कहां पर, तो लॉग इन के लिए, ठीक है। अब इसमें आपको लॉग इन करना है, ठीक है, जैसे मैंने जो रजिस्टर किया था उससे मैंने यहां पर लॉग इन किया, ये हो गया मेरा लॉग इन। अब लॉग इन हो गया, तो मैं फिर से आ गया कहां पर, प्ले विन लर्न में, और प्ले विन लर्न में अब देख रहे हो आप यहां पर मैंने इसको लॉग जो था वो निकल गया, और यहां पर मैंने प्रोसीड किया, प्रोसीड किया तो मुझे यहां पर क्वेश्चन जो है वो दिख रहे हैं। फिर मैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं, फिर मैं इसको कोई आंसर लगा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख के मैं कोई भी यहां पर एक आंसर हो तो वो लगा रहा हूं, मान लो इसको सेव कर दिया मैंने, सेव एंड नेक्स्ट कर लिया, पेंटो शुगर कौन सी है तो मैंने और एक आंसर लगा दिया, सेव एंड नेक्स्ट कर लिया। ऐसे अनलिमिटेड कॉन्टेस्ट जो है वो आपको आईएफएस की वेबसाइट के ऊपर मिलेंगे, इसके ऊपर आप रजिस्टर करके ये कॉन्टेस्ट को दे सकते हो, तो सिंपल सा काम है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आईएफएस की वेबसाइट से कॉन्टेस्ट दे सकते हो, बट जस्ट यू नीड टू रजिस्टर, ठीक है, इतना सा काम आपको करना है। तो थैंक यू।